गर्मा गर्म सांभर और नारियल की चटनी के साथ इडली खाने का मजा ही कुछ और है। जब भी हम इडली की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये साउथ इंडिया का नाश्ता है, बड़ा टेस्टी है, बड़ा हेल्दी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस इडली को हम इतने चाव से खाते हैं उसकी पैदाइश आखिर हुई कहां? क्या सच में इडली सांभर साउथ इंडिया का नाश्ता है? तो चलिए आज आपके और हमारे हम सबके सबसे फेवरेट नाश्ते यानी इडली की पैदाइश के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि इडली एक इंडियन फूड है, लेकिन शायद आप गलत हैं, क्योंकि खान पान के इतिहासकारों की माने तो इडली सबसे पहले भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में बनाई गई थी और वहीं से ये भारत आई और उसके बाद साउथ इंडिया में काफी फेमस हो गई। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इडली अरब व्यापारियों की देन है। कर्नाटक के मशहूर इतिहासकार केटी आचार्य का कहना है कि इडली का जन्म 7वीं से 12वीं शताब्दी में इंडोनेशिया में हुआ, जहां इसे केडली या केदारी के नाम से जाना जाता था। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कई हिंदू राजाओं ने इंडोनेशिया पर राज किया और जब वो अपने रिश्तेदारों से मिलने या अपने लिए दुल्हन तलाशने भारत आया करते थे तो अपने साथ वो अपने रॉयल कुक्स को भी लाते थे। इसी तरह इंडोनेशिया की किडली की रेसिपी भारत पहुंची और यहाँ इडली के नाम से मशहूर हो गई। इडली के जन्म से जुड़ी एक और कहानी है जिसमें इसका रिश्ता अरब देशों से दिखाया गया है। कई लोगों का मानना है कि जब 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया और उसके बाद सौराष्ट्र के व्यापारी दक्षिण भारत चले आए, वहीं इडली की रेसिपी का जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया। वैसे इडली के बारे में कई सारे सर्वेज भी हुए। इन सर्वेज में बताया गया कि शहर के अनुसार इडली की वैरायटी भी बदल जाती है। जैसे बेंगलुरु में थट्टे इडली और चेन्नई में राइस इडली की काफी डिमांड है। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग वेजी इडली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हैदराबाद में मसाला इडली और कोची में पेपर ग्रे, तो कोलकाता में फिंगर फ्राइड इडली डिमांड में है। मुंबई में लोग वेज मसाला इडली ज्यादा ऑर्डर करते हैं। इडली की पैदाइश भले ही बाहर की हो लेकिन इसे भारतीय कल्चर का हिस्सा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सदियों से पॉपुलर इडली आज हमारे दिन के खान पान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देश के हर कोने में इडली बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि इडली की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से और कैसे ये भारतीय कल्चर का एक हिस्सा बन गई है। तो देर मत कीजिए और जल्दी से ऑर्डर कीजिए इडली, या घर में भी बना सकते हैं। मैं हूं पारस कोठारी और भारत के कल्चर से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए न्यूज़।